आगामी 24 मार्च विश्व टीबी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। कार्यक्रम के तहत टीबी के मरीजों को टीबी से बचाव के प्रति जागरूक किया जाएगा। इस संबंध में पत्रकार वार्ता कर डॉक्टर नदीम अरशद ने बताया। में मनाया जाएगा 24 मार्च को, इसलिए मनाया जाता है कि 1882 में रॉबर्ट कॉक एक जर्मन बैक्टेरियोलॉजिस्ट है जिन्होंने इसकी खोज की थी 1882 में और 24 मार्च को इसको डिक्लेयर किया था। इसलिए हर साल 24 मार्च को वह टीबी डे मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है कि टीबी के बारे में मरीजों को जागरूक करना। अभी भी जागरूकता की बहुत कमी है। अक्सर लोग खांसते रहते हैं, खांसी भी आती है, बुखार भी होता रहता है, लेकिन डॉक्टर के पास जाते नहीं। अरे साहब खांसी जुकाम के वजह से हो गई, स्मोकर कहेंगे अरे हम सिगरेट पी रहे हैं इसलिए खांसी हो गई। तो जब भी किसी को ये कहा गाइडलाइंस है कि जब भी किसी को 2 हफ्ते की खांसी आ रही है 2 वीक्स या उससे ज़्यादा, फौरन डॉक्टर से चेक कराए और फौरन जाए। आजकल तो बहुत कॉमन जाँच हो गई है टीबी के लिए, जीन एक्सपर्ट एक सबसे कॉमन टेस्ट है जो 2 घंटे में मिल जाता है, कार्ट्रिज बेस्ड टेस्ट है। बलगम, अगर खांसी में बलगम आ रहा बलगम दे दीजिए, 2 घंटे में उसकी रिजल्ट मिल जाएगी। इससे 2 बातों को पता लगता है जीन एक्सपर्ट से। एक तो ये पता लगता है कि इसमें टीबी के कीटाणु है कि नहीं, अगर हैं